दोस्तों, YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में एक टॉपिक ये है कि हमारा फ़ोटो, वीडियो, इंपॉर्टेंट फाइल, डॉक्यूमेंट हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप से गलती से डिलीट हो गए हैं, उसे दोबारा वापस कैसे पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देव साहनी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आपके फ़ोन से कोई भी फाइल, फ़ोटो, वीडियो या आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसे दोबारा वापस कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि कभी न कभी आपके फ़ोन से भी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट फाइल जो है गलती से डिलीट हो गई होगी और आप उसे दोबारा वापस पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हुए होंगे और हो सकता है कि वो फाइल आपको वापस मिली भी ना हो। लेकिन आज के इस वीडियो से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से डिलीट हुए किसी भी फोटो, वीडियो या किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को बहुत ही आसानी से वापस पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन से डिलीट हुए किसी भी फ़ोटो, वीडियो या इंपॉर्टेंट फाइल को वापस पाना चाहते हैं दोबारा से, तो आपको एक ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करने की ज़रूरत है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप। तो चलिए जल्दी से इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे किसी भी डिलीट हुए फाइल को वापस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर सर्च बार दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और टाइप करना है डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप। तो आपको स्क्रीन पर जो है इस ऐप का नाम भी शो हो रहा होगा और वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके जो है आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्ले स्टोर में डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप जो है ओपन हो चुका है। अब हम इसको जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है इसका यूज करके आपको बताएंगे कि अगर आपके फ़ोन से कोई भी फोटो या वीडियो डिलीट हो जाता है तो आप उसको कैसे वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 1.7 MB की फाइल है, 100 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो काफ़ी लोकप्रिय ऐप है और काफ़ी छोटी ऐप है, तो इसको चलिए जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और ये ऐप जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होना रेडी हो चुकी है। जैसे इंस्टॉल हो जाती है हम इसको जो ओपन कर बताएंगे कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने फ़ोन में से डिलीट हुए फाइल को कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर ओपन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके फ़ोन में डिस्क डिगर ऐप जो है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसिक स्कैन, नो रूट, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक स्कैन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगी स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो अपने फ़ोन में से डिलीट हुए फाइल को रिकवर कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने फ़ोन में फुल स्कैन करना चाहते हैं, जो कि बहुत पुरानी फाइलें अगर डिलीट हुई हैं उसको स्कैन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट रिक्वायर्ड है, मतलब आपके फ़ोन को रूट करना ज़रूरी है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक करके जो है हाल ही में डिलीट हुए फाइल को जो है रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे नीचे एक बटन मिलेगी वाइप फ्री स्पेस का। अगर दोस्तों ये ऐप जो है आपके फ़ोन में से किसी भी फाइल को अगर रिकवर नहीं कर पाता है और वो फाइल आपके फ़ोन में है और उसको आप जो है डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वाइप फ्री स्पेस पर क्लिक करके जो है उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप अपने फोन में से डिलीट हुए फाइल को कैसे रिकवर करेंगे। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन का बटन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, डिस्क डिगर ऐप जो है आपके फोन से फोटो, मीडिया एंड फाइल को जो है एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। जैसे दोस्तों आप अलाउ बटन पर क्लिक करेंगे, ये ऐप जो है आपके फ़ोन से डिलीट हुए फाइल को जो है रिकवर करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे जो है प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही प्रोसेस जो है हमारा आगे बढ़ता जाएगा, हमारी जो डिलीट हुई फाइल जो है यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी जो है अपने फ़ोन से डिलीट हुई फाइल को जो है बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि जितनी भी फाइलें डिलीट हुई रहेंगी वो सारी फाइलें जो है रिकवर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फाइलें जो है यहाँ पर आपको दिखती भी जाएंगी, मतलब फोटो जो भी यहाँ पर आप डिलीट किए रहेंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल रहेगी वो सभी जो है यहाँ पर आपको शो होती जाएंगी। तो दोस्तों, ये रिकवरी जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। जितनी भी फाइलें आपके फ़ोन से डिलीट हुई रहेंगी वो सभी जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, रिकवर की गई फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको अपने फोन में सेव करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है रिकवर का बटन दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपने फाइल को किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। आप यहां पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद जगह को, उसके बाद जो है आपकी फाइल जो है आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके फोन में से कोई भी फाइल डिलीट होती है तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप जो है कंप्लीटली अपने फोन में से पूरी फाइल को जो है रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो
है आपको फुल स्कैन करना पड़ेगा अपने फ़ोन को, जो कि रूट रिक्वायर्ड है, मतलब आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए तभी जो है आप फुल स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके फ़ोन में से कोई भी फाइल जो है डिलीट हो जाती है तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से डिलीट हुए फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।